Assalamualaikum everyone, this is Ali from Mate10. मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए कैमरा कंपैरिजन Mate10 lite और J7MAX का। जी हाँ दोस्तों, J7MAX आपको मिलता है फ्रंट 13 मेगापिक्सल का, जिसमें अपर्चर मिलता है 1.9 का, और Mate10 lite में आपको मिलता है फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल प्लस 3 मेगापिक्सल। लेकिन जो 3 मेगापिक्सल होता है वो डेप्थ इफेक्ट के लिए होता है, वीडियोज़ में इस्तेमाल नहीं होता है, वीडियोज़ में 16 मेगापिक्सल इस्तेमाल होता है, जिसमें अपर्चर मिलता है आपको 2.0। दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे होंगे Mate10 lite आपको काफ़ी कलर अच्छे दे रहा है एज़ कम्पेयर टू J7MAX। J7MAX में आपको लो लाइट फील हो रही है रियर साइड पर, ग्रास का कलर कम्प्लीट नहीं मिल रहा आपको, और Mate10 lite में आपको नेचुरल कलर मिल रहा है। अब थोड़ी सी बात करेंगे स्टेबलाइजेशन की, तो स्टेबलाइजेशन आपको Mate10 lite में और J7MAX में डिफरेंस फील हो रहा होगा कि Mate10 lite में काफ़ी स्टेबल इमेज मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू J7MAX। कलर्स की बात करेंगे तो कलर्स बड़े प्रोमिनेंट हैं Mate10 lite में, Mate10 lite क्लियरली विनर होगा डे लाइट में J7MAX से। 13 मेगापिक्सल है J7MAX का और 13 मेगापिक्सल है Mate10 lite का। अब बात करते हैं लो लाइट कंडीशन की फ्रंट कैमरे की, तो आपको चलेंगे लेके लो लाइट में। सो दिस इज़ गाइड, लाइट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Mate10 lite और J7MAX के। आप देख रहे होंगे Mate10 lite में आपको काफ़ी कलर्स नेचुरल मिल रहे हैं, हालांकि नाइट मोड है, ऊपर लाइट चल रही है, लेकिन कलर काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है। और J7MAX में आपको कलर बिल्कुल डल नज़र आ रहे हैं और बहुत सारा नॉइस नज़र आ रहा है स्कैनटॉन में भी और रियर साइड के बैकग्राउंड में भी। अब बात करेंगे दोनों के फ्रंट कैमरा की स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन Mate10 lite में भी आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा और J7MAX में भी मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन J7MAX में सैमसंग ने शो किया कि 1.9 अपर्चर है, लेकिन नाइट मोड में कोई अपर्चर का काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको, बहुत ज़्यादा कलर जो है वो डाल नज़र आ रहे हैं। Mate10 lite की बात करेंगे तो Mate10 lite नाइट मोड में भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे अंधेरे में, तो आपको फील होगा कि अभी भी Mate10 lite कलर्स काफ़ी बैलेंस दे रहा है। स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो Mate10 lite में आपको नॉइस तो मिल रहा है, लेकिन स्टेबलाइजेशन में दोनों ही तकरीबन बराबर नज़र आएंगे। जी दोस्तों, बात करते हैं सेल्फी की, तो सेल्फी में Mate10 lite क्लियरली विनर होगा, बहुत नेचुरल कलर दे रहा है, और J7MAX में आपको काफ़ी नॉइस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके रियर साइड की खींची हुई पिक्चर की, तो रियर साइड की पिक्चर में आपको आप देखेंगे कि आपको कलर्स J7MAX में बहुत बेहतर मिल रहे हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 3 मेगापिक्सल है, और J7MAX का रियर कैमरा होता है 13 मेगापिक्सल का, जिसमें अपर्चर मिलता है आपको 2.0 का। हालांकि 2.0 आपको Mate10 lite में मिलता है, लेकिन तस्वीर बहुत बेहतर आती है रियर कैमरे से Mate10 lite के। अब बात करते हैं सेल्फी ग्रुप सेल्फी की, ये बुके इफेक्ट में ली गई है। J7MAX में आपको बुके इफेक्ट मिलता है प्रॉपर, Mate10 lite थोड़ा डल नज़र आया है ग्रुप सेल्फी में बुके इफेक्ट में, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो कलर Mate10 lite में आपको बहुत बेहतर मिलते हैं। अब बात करते हैं इनकी सेल्फी रिजल्ट की नाइट मोड की, तो ये ग्रुप सेल्फी ली गई है नाइट मोड में। इसमें आप देखेंगे कि आपको J7MAX में बहुत ही ज़्यादा नॉइस नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू Mate10 lite। Mate10 lite क्लियरली विनर होगा डे और नाइट के कैमराज में। अब बात करते हैं नाइट मोड में ये पिक्चर ली गई है फ्लैश लाइट ऑन करके, तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें Mate10 lite डल नज़र आया एज़ कम्पेयर टू J7MAX, लेकिन अगर देखा जाए तो J7MAX में नॉइस ज़्यादा है, Mate10 lite में अभी भी आपको कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं रियर साइड की पिक्चर की, तो रियर साइड की पिक्चर ये ली गई है विदाउट फ्लैश लाइट, इसके अंदर भी Mate10 lite क्लियरली विनर रहा ऑल ओवर, हर तरीके से कैमरा में Mate10 lite बेहतर रहा कलर्स, अपर्चर और फोकस में। सो गाइज ये था, अब चलेंगे रियर वीडियो की तरफ। यह दोस्तों, आप Mate10 lite और J7MAX के रियर कैमरे से बना रहे हैं वीडियो, आप देख रहे होंगे आपको Mate10 lite में काफ़ी कलर्स नेचुरल मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू J7MAX में आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रही है, कलर प्रॉपर नहीं देखने को मिल रहे। Mate10 lite के कैमरे की बात करेंगे तो रियर पर आपको 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा 30 FPS पे, 1080p पे रिकॉर्डिंग हो रही है, और आपको J7MAX में मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 2.0, और Mate10 lite में भी 2.0 अपर्चर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, तो स्टेबलाइजेशन आपको थोड़ा सा चल के दिखाएंगे कि आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है Mate10 lite में। J7MAX से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन है, लेकिन लगभग दोनों को एक जैसे ही स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। अब फोकस की बात करेंगे, कौन सा फ़ोन जल्दी फोकस कर लेता है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों ही प्रॉपर फोकस जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ी सी लो लाइट है, बादल है, इसकी वजह से शायद फोकसिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा हो, लेकिन Mate10 lite के अंदर आपको कलर्स बड़े बेटर मिल रहे हैं। अब बात करते हैं नाइट मोड के रियर कैमरे की, तो आपको लेके चलते हैं नाइट मोड में। जी हाँ दोस्तों, अब रियर साइड के कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Mate10 lite में और J7MAX में, तो Mate10 lite में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, लाइट ऑफ है बैक साइड का, लेकिन आपको काफ़ी हद तक J7 में अब इम्प्रूवमेंट मिल रही है, जिसमें अपर्चर है 1.7 के रियर कैमरे में। अब फोकस की बात करें नाइट मोड में, तो दोनों में ही आपको फोकस जो मिलता है वो
काफ़ी अच्छा मिलता है नाइट मोड पे। एक स्ट्रीट लाइट जल रही है और अगर आप देखेंगे तो आपको जैसा मैक्स में कलर थोड़ा सा नेचुरल मिल रहा है, लेकिन मेटल लाइट भी इतना कम नहीं है, बेहतर कलर दे रहा है एज़ कम्पेयर टू J7 MAX। सो रियर में दोनों ही तकरीबन बैलेंस है। आप स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो दोनों में आपको इमेज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन तो मिलती नहीं है, इसलिए दोनों तकरीबन लगभग एक जैसा ही काम करेंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो Mate10 Lite को लेके और J7 MAX को लेके। दोनों ही लगभग पाकिस्तान में एक ही प्राइस में आ रहे होते हैं, दोनों ही 31,000 की रेंज में आपको मिल रहे होते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज़, कंपेरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।